बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के अहमदाबाद रोड महादेव पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार रात को हुए भीषण सड़क हादसे में चार जनों की मौत हो गई। हादसा बोलेरो रोडवेज की बस के बीच हुआ। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो गाड़ी दो हिस्सों में बट गई। वहीं सूचना पर सदर पुलिस पहुंची और घायलों को राजकीय चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित कई अधिकारी चिकित्सालय पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के धुरीमन्ना रोड पर कुशल वाटिका के पास शुक्रवार रात बोलेरो और रोडवेज बस की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो दो हिस्सों में बट गई और चार जनों की मौत हो गई, जबकि 10 जन गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी घटनास्थल और राजकीय अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशल क्षेम पूछी। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जैतावत ने हालातों का जायजा लेने के साथ घायलों का तुरंत उपचार शुरू करवाया। सदर थाना पुलिस के अनुसार बोलेरो वाहन में सवार सरिता उम्र 20 वर्ष, पत्नी ओम प्रकाश निवासी सदराम की बेरी, बाली देवी उम्र 25 वर्ष, पत्नी मोहनलाल निवासी भवार, भवरी देवी उम्र 22 वर्ष, पत्नी श्रवण, पप्पू देवी उम्र 40 वर्ष, पत्नी बाबूलाल निवासी सावा की मौत हो गई, जबकि बाबूलाल पुत्र जगमाल निवासी सावा, ओम प्रकाश पुत्र सुजाना राम निवासी सावा, प्रवीण पुत्र सुजाना राम निवासी सावा, सिणगारी पत्नी मालाराम, हीरो देवी पत्नी सुजाना राम निवासी सावा, बुधराम पुत्र केसरा राम निवासी सदराम की बेरी, रामेश्वरी पत्नी बाबूलाल निवासी गर्रा रोड, मिर्घा पत्नी अन्नाराम निवासी पुनासा, भजनलाल पत्नी सुखराम निवासी सावा, श्रवण पुत्र सुजाना राम निवासी सावा गंभीर घायल हो गए। हॉस्पिटल में हम इसलिए आए हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ पे सुनिश्चित की जाएं। पीएमओ और सीनियर डॉक्टर्स की टीम यहाँ अवेलेबल रहे। जो भी लोग यहाँ मरीज एडमिट हैं अभी सब सेटल हैं, उनका सीटी स्कैन भी कराया गया है और कोई मेजर इंजरी उनको नहीं है। बीपी और बाकी जो पैरामीटर्स वो मेंटेन कर रहे हैं। यही निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर्स की टीम रात में भी विजिट करके देखता रहे। बोलेरो कैंपर में एक ही परिवार के 18 लोग जोधपुर लोहावट से अपने गाँव साता जा रहे थे और एक रोडवेज बस से उनकी हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिस वजह से चार महिलाओं की ऑन स्पॉट डेथ हुई और करीब 10 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड में से एक थोड़ा सीरियस था जिसको जोधपुर रेफर कर दिया है और 9 का यहां पर बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में अंडर ट्रीटमेंट है। उन्हें राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने भी हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए हादसे के कारणों की जांच करने की बात कही। वहीं सदर पुलिस ने देर रात तक हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर हाईवे खुलवाया।